हम एक ऐसे वीर योद्धा भांजीदल जाडेजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने राज्य पर बुरी नज़र रखने वाले मुगलों को गाजर मूली की तरह काटा। इतना ही नहीं, मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले अकबर को भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देश का कि नई पीढ़ी को इस वीर योद्धा के बारे में पढ़ाया और सुनाया ही नहीं गया। भांजीदल जाडेजा ने अकबर को बुरी तरह परास्त किया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया और साथ ही साथ उसके 52 हाथी, 3530 घोड़े, पालकियां आदि अपने कब्जे में ले ली। विक्रम संवत 1633 1576 ईस्वी में मेवाड़ गोडवाना के साथ साथ गुजरात भी मुगलों से लोहा ले रहा था। गुजरात में स्वयं अकबर और उसका सेनापति कमाल संभाले थे। अकबर ने जूनागढ़ रियासत पर 1576 ईस्वी में आक्रमण करना चाहा, तब वहां के नवाब ने पड़ोसी राज्य नवानगर जामनगर के राजा जामजी सत्ताजी जडेजा से सहायता मांगी। क्षत्रिय धर्म के अनुरूप महाराजा ने पड़ोसी राज्य जूनागढ़ की सहायता के लिए अपने 30,000 योद्धाओं को भेजा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नवानगर के सेनापति वीर योद्धा भांजीदल जाडेजा। सभी योद्धा देवी दर्शन के पश्चात तलवार शस्त्र पूजा कर जूनागढ़ की सहायता को निकले, पर मां भवानी को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन जूनागढ़ के नवाब ने अकबर की विशाल सेना के सामने लड़ने से इनकार कर दिया। वह आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया। नवानगर के सेनापति ने वीर भांजीदल जाडेजा को वापस अपने राज्य लौट जाने को कहा। इस पर भांजी और उनके वीर राजपूत योद्धा अत्यंत क्रोधित हुए। भांजी जाडेजा ने सीधे जूनागढ़ नवाब को राजपूती तेवर में कहा, क्षत्रिय युद्ध के लिए निकला है तो या तो जीत कर लौटेगा या फिर रणभूमि में वीर गति को प्राप्त करेगा। वहां सभी वीर जानते थे कि जूनागढ़ के बाद नवानगर पर आक्रमण होगा ही, इसीलिए सभी वीरों ने फैसला किया कि वे बिना युद्ध किए नहीं लौटेंगे। अकबर की सेना लाखों, उन्होंने मजेवाड़ी गांव के मैदान में अपना डेरा जमा रखा था। भांजी जाडेजा ने मुगलों के तरीके से ही कूटनीति का उपयोग करते हुए आधी रात को युद्ध लड़ने का फैसला किया। सभी योद्धा आपस में गले मिले, फिर अपने इष्ट देव का स्मरण कर युद्ध स्थल की ओर निकल पड़े। आधी रात हुई और युद्ध आरंभ हुआ। रात के अंधेरे में हजारों मुगलों को काटा गया। सुबह तक युद्ध चला। मुगलों का नेतृत्व कर रहा मिर्जा खान और मुगल सेना अपना सामान छोड़ भाग खड़ी हुई। हालांकि अकबर इस युद्ध स्थल से कुछ ही दूर था, किंतु उसने भी स्थिति की वीरता को भाप कर पैर पीछे खींचने में ही भलाई समझी। वह भी सुबह होते ही अपने विश्वसनीय लोगों के साथ काठियावाड़ छोड़कर भाग खड़ा हुआ। नवानगर की सेना ने मुगलों को 20 कोस तक पीछा किया, जो हाथ आए वो मारे गए। अंत में भांजीदल जाडेजा ने मजेवाड़ी में अकबर के शिविर से 52 हाथी, 3530 घोड़े और पालकियों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद यह काठियावाड़ी फौज नवाब को उसकी कायरता की सजा देने के लिए सीधी जूनागढ़ गई। जूनागढ़ किले के दरवाजे उखाड़ दिए गए। ये दरवाजे आज जामनगर में खंबालिया दरवाजे के नाम से जाने जाते हैं और आज भी वहां लगे हुए हैं। बाद में जूनागढ़ के नवाब को शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। उसने नवानगर महाराजा साताजी से क्षमा मांगी और दंड स्वरूप जूनागढ़ रियासत के चूरू भार सहित 24 गांव और जोधपुर परगना काठियावाड़ वाला नवानगर रियासत को दे दिए। कुछ समय बाद बदला लेने की मंशा से अकबर फिर 1639 में आया, किंतु इस बार भी उसे तामाचीन की लड़ाई में फिर हार का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध का वर्णन गुजरात के अनेक इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में किया है, जिनमें मुख्य है नरपटाधर नीपजे, सौराष्ट्रनु इतिहास के लेखक शंभू प्रसाद देसाई, बॉम्बे गजेटेरियन पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, विवाह विलास यदुवंश प्रकाश की मौदान जी रत्नु आदि में इस शौर्य गाथा का वर्णन है। भांजीदल जाडेजा ने इसके बाद संवत 1648 में भूचर मोरी में मुगलों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हुए वे शहीद हुए। सच में भांजीदल जाडेजा का नाम सौराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।